हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षा गर्ग व्लॉग्स। एंड आज का व्लॉग है रामलीला पर, यूपी की रामलीला। ये बहुत फेमस है यूपी में, ऑल्दो और अदर स्टेट्स में भी होगी ज़रूर, क्योंकि नवरात्रि तो अलग अलग रूप में सेलिब्रेट होता ही है। बट यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 4 साल बाद आ रही हूँ, क्योंकि कोरोना में ही 2 साल चले गए, और उससे पहले या उसके बाद भी जब लगी थी तब मैं नहीं आ पाई थी। एंड टुडे वी आर एंट्रिंग फ्रॉम गेट नंबर 1। एंड आज आप देख सकते हैं, क्योंकि अष्टमी हुई है और सबके व्रत ख़त्म हुए हैं, तो कितनी भीड़ है। और जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रॉकरी वाले भैया दिखेंगे, जिनके पास बहुत ही सही क्रॉकरी मिल जाती है। ऑल्दो जब आप शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो वो महंगी होती है कंपैरेटिवली, बट यहाँ हम जब भी बचपन में भी रामलीला आते थे तो हम यहाँ से मग वगैरह लेके ज़रूर जाते थे। इट्स वेरी नाइस। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें देखिए गन शूटिंग वाली शॉप, जो कि सबके बचपन की यादें हैं। और ये हैं फेमस आर के नान खटाई, जो कि बहुत ही गरम गरम और यम्मी सी नान खटाई निकाल रहे थे, बना रहे थे, और कोयले पे बनते देख के। ऑल्दो वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और उनका बहुत ही मेहनत वाला काम है, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद टेस्ट की थी। एंड नेक्स्ट नॉट टू मिस ये है झूले। एंड ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये रेंजर है, जो कि पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है, विच इज़ वेरी स्केरी। बट ये पूरा झूला सेक्शन था और यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन्स। एंड अब हम आ गए हैं स्टॉल सेक्शंस में। ये हमारा रो नंबर 1 ही था, हम पहले सबसे पहले देख रहे थे थोड़ी क्रॉकरी, थोड़ा हैंडीक्राफ्ट, यू नो, मिक्स एंड मैच, जो कि बिल्कुल स्टेज के पास था। और यहाँ पर पीछे आपको स्टेज दिख रही है, जो कि मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। और ये है फर्नीचर शॉप, जहाँ पर अच्छी खासी शीशम वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी। और ये यहाँ से स्टेज के सामने से ओवरऑल व्यू रामलीला का। अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 7 या 7:30 बजे ही पहुँच गए थे, तो रामलीला स्टार्ट होती है after 9। सो अभी नहीं स्टार्ट हुई थी, बट ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा आता है एज़ यूजुअल, बहुत ही ऑथेंटिक सा लुक है, पुरानी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैं स्टॉल घूमते हुए बेस्ट स्टॉल निकाल पाई वो कुछ मैं यहाँ मेंशन करूँगी। जैसे फर्स्ट है आर्यन न्यू वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सामान था। मुझे एक बैग जो कि लकड़ी लुक में था, वुडन लुक में था, वो बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आर्यन हैंडीक्राफ्ट के थोड़ा ही आगे ट्रेज और क्रॉकरीज़ की शॉप थी, जो कि under 30 और 50 काफ़ी अच्छा सामान रखा हुआ था। ऑल्दो इसका नाम नहीं था शॉप का, बट ये अच्छी थी, आपको अलग ही दिख जाए। और ये स्टेज के जस्ट सामने दिल्ली चाट कॉर्नर, जहाँ पर हमने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, पाव भाजी या चाउमीन वगैरह, लेकिन यहाँ पर इतना रश था, इतनी भीड़ कि सिटिंग छोड़िए स्टैंडिंग की भी जगह नहीं थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको जगह मिल जाए, क्योंकि हमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वैसे ही बहुत रश था, बट या बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। इसके बाद अगर आप सस्ता और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, जो वो काफ़ी महंगे में नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको under 40 रुपीज़ अच्छी खासी सीता की रसोई करके ये स्टॉल है। इसके बाद ये थी हमारी लगान केटरर्स करके एक शॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लिंगी थी। ऑल्दो मैंने टेस्ट तो नहीं किया, बट इसका खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा लग रहा था क्राउड को देखते हुए, लेकिन ये सबसे अट्रैक्टिव शॉप थी। एंड इसके बाद हम आ गए रबड़ी खाने, जो कि ब्रजवासी केशर दूध वालों की बहुत ही फेमस, जैसा कि आप देख सकते हैं, उमेश सिंह ब्रजवासी जी की। ये स्टेज के जस्ट सामने बिल्कुल सेंटर में ही आपको अलग ही दिख जाएगी, यहाँ से ये भैया रबड़ी बनाते हुए, और हमने भी टेस्ट की, वेरी ऑथेंटिक, वेरी नाइस टेस्ट, आई होप यू विल लाइक इट टू। और ये वहीं पे है कुंज केटरर्स करके, ग्रेस इवेंट्स एंड डेकोरेशंस, जो मैं कह रही थी कि लगान और इसका कंपटीशन है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ खाना, इन टर्म्स ऑफ डेकोर एंड इन टर्म्स ऑफ भीड़, हम सब तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ से 5 मिनट खड़े होकर देखना, इट्स अ ट्रीट टू वॉच।
मतलब मेले का असली मतलब क्या होता है वो यहाँ से दिख रहा है। झूले, सो मच ऑफ क्राउड, ये पूरा ओवरऑल लुक बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और मैंने इसीलिए रियल बॉयज नहीं हटाई है। ये बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके वहाँ पे और हम निकल गए। लास्ट में बस एक आइसक्रीम ली जिसे मेरी मदर ने मुझे करेक्ट किया कि दिस इज़ नॉट आइसक्रीम, दिस इज़ सॉफ्ट टी। तो आई एम हैविंग माई सॉफ्ट टी, इन्जॉइंग इट विद चेरी एंड कमिंग बैक टू होम, क्योंकि अंदर बहुत रश था। मेला ज़्यादा रियल ब्यूटी ऑफ यू नो इंडियन कल्चर है, ये जो चलता है मेला लगाना और यू नो हर चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करना, इट इज़ वेरी नाइस टू सी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना प्यारा एम्बियंस हो जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है और अच्छा खासा सबका इंजॉयमेंट भी हो जाता है। सो इट्स टाइम टू से बाय। आई होप ये ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा, लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।